एवरीवन नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ की रीडिंग, जो मंथली रीडिंग्स रहेगी, क्या होने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। तो चलिए जानेंगे ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है, कैसे होने वाले है आपके लिए ये मंथ की रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। आपकी रिसेंटली कंडीशन तो काफी ज्यादा डाउन एनर्जी दिखाई देती है। कार्ड्स जैसे देखा जा रहा है कुछ खास नहीं निकल रहे, पर काफी ज्यादा चीजों को लेकर परेशानियां दिखाई देती थी वृश्चिक राशि वालों के लिए। बट अगर बात की जाए लव की, तो लव में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई देने लगी है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। तो रिसेंटली कंडीशन काफी ज्यादा ऐसे दिखाई देती दे रही है आपके लिए, फिर कुछ चीजों को लेके, आप पुरानी बातों को लेके काफी सारी चीजें सोचती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। ओवर थिंकिंग काफी सारी चीजें आपको सोची जा रही है और कुछ रहा नहीं निकल के आ रही। ऐसी चीजें आपके साथ होगी, आपको जहाँ पे है वहां से निकलने का मन कर रहा है, आपको रहने का मन नहीं कर रहा है, कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर कहीं प्लेस चेंज करने का मन आपको कर रहा है। आपका मन कर रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग पे निकल जाए या फिर आपका प्लेस चेंजमेंट हो जाए, ये वाली चीजें दिखाई दे रही। तो आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसी वाली चीजें आपकी हो सकती है। कहीं धार्मिक स्थल या फिर कहीं इंजॉयमेंट्स लाइफ में, कहीं पे भी आप, जहाँ पे भी आपका मन करो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये हो सकते हैं कि कहीं आपको फाइनेंशियली, आप अगर बाहर निकलते हो ऐसा, फाइनेंशियली से भी आप स्टेबल रहते हैं, काफी ज्यादा फाइनेंशियली आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगी, फाइनेंशियल को लेके काफी ज्यादा आप हैप्पी भी रहेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए अगर बात देखी जाए, तो जिनकी शादी की बात चल रही है उनके लिए शादी की बात कन्फर्म हो सकती है ये मंथ में। न्यू लव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, काफी टाइम से कोई लाइफ में पार्टनर नहीं आया है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जिनके पास नहीं है उनके लाइफ में सडनली कोई लाइफ में आते हुए दिखाई देते दे रहा है। ट्रैवलिंग में ही कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा साथी मिल सकता है कि जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाए, दोस्त बन जाए, फ्रेंड्स बन जाए, कोई लाइफ में आपके आ जाए, ये वाली चीजें हो सकती है। अदरवाइज चीजें अगर देखी जाए तो कुछ घर से गुड न्यूज मिल सकती है, कुछ फैमिली वालों से कुछ खुश खबरें आपको मिल सकती हैं, कुछ आपके मन मुताबिक थोड़े बहुत चीजें परिवार में हो सकती है, परिवार का प्यार मिल सकता है, परिवार के लोग आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट करें, ये वाली चीजें होगी। कुछ फाइनेंशियली से भी आपको परिवार की तरफ से हेल्प मिल सकती है, ये वाली करंट एनर्जी आपकी दिखाई देती है। अगर आप न्यू जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो न्यू जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के लिए भी ये टाइम काफी ज्यादा बेस्ट है। वीजा की अगर बात की जाए, जिनकी काफी टाइम से वीजा नहीं लग रहा वृश्चिक राशि वालों को, तो वीजा मिल सकता है, आपके गोल जो है पूरे हो सकते हैं। कहीं इवेंट्स में जाना या फिर कहीं पार्टी में जाना, ये वाली चीजें आपकी दिखाई देती है, ये चीजें आपकी होगी। अदरवाइज चीजें, आप बहुत सारी चीजें दूर की चीजें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, तो काफी टाइम से मने कि बहुत सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए, बट वो चीजों के लिए थोड़े टाइम के लिए रुकावटें आएंगी, पर बाद में चीजें जो है ना आपकी फ्लो में होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी जर्नी स्टार्ट दिखाई देते दे रहा है। कहीं बाहर ट्रैवलिंग, एक फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग ज्यादा दिखाई देती है, तो ट्रैवलिंग काफी ज्यादा आपकी रहेगी और काफी अच्छी रहेगी, काफी बेस्ट रहेगी। आपकी हर चीज जो है ये टाइम पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा नेगेटिव नहीं, पर थोड़ी बहुत चीजें नेगेटिव है, ये काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही है, काफी ज्यादा आपके जो लॉस हो चुके हैं, पुरानी चीजें आप सोच रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर आपको थोड़े से अवॉइड कर दो, तो आप अपने लाइफ को लेकर सारी चीजें अच्छी तरीके से करेंगे। ऐसे होगा कि आप जो चीजें उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जो चीज नहीं है उनके बारे में चीजें, काफी ज्यादा चीजें जो है आप सोचते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, जिसके कारण काफी ज्यादा परेशानी होना, हेडेक होना, हेल्थ इश्यू आना, ये थोड़े बहुत के लिए आपकी हो सकती है। अगर आप चीजें ना सोचे तो सारी चीजें आपकी ये टाइम पे, जो आप जो कुछ भी चाहते तो ये टाइम पे आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई देती दे रही कुछ राशि वाले। अदरवाइज चलिए जानते हैं कि आपके लिए इंजस मैसेज क्या है, इंजस मैसेज आपसे क्या कहना चाहते हैं, इंजस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये मंथ में। तो अबंडेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि परिवार तरीके से हेल्प मिल के जाएंगी, एंड किसी के लिए अगर आपके दिल में कुछ कड़वाहट है या फिर कुछ परेशानियां हैं या फिर कुछ आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गुस्सा है, तो उस पर्सन को आप माफ कर सकते हैं, उन इंसान को आप माफ कर सकते हैं,
ये चीज करने से आपके सारे ब्लॉकेजेस जो है वो थोड़े ओपन हो जाएंगे और अपने काम पे अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे और आप बहुत सारी चीजों को लेके सोचेंगे भी नहीं। तो अगर ये चीजें कर दे तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा वृश्चिक राशि वाले कि ये मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। एंड टैरो का रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके लिए स्पेल भी है तो आप स्पेल या फिर रेकी रीडिंग्स करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है तो आप जो है इसके लिए आपकी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, स्पेल करवा सकते हैं एंड बहुत सारे रिचुअल्स करवा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे एनी टाइम मिलती रहूँगी एंड कुछ नए नए वीडियो जो है मेरे चैनल्स पे आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर ज़रूर करना ना भूले एंड नोटिफिकेशन जब भी आते हैं तो वीडियो देखना ना भूले। तो मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।